नक्षत्र में वर्णन एवं विंध्याचल पर्वत का वर्णन सुना। क्या बात, और क्या बात जी, आज से आप गीता कथा का रसा स्वादन करेंगे। आइए आज का गीता साहिब का पूजन हमारे श्री कैसे जी, जुगल किशोर जी एवं बमला जी आंटी आकर के गीता साहिब का पूजन करेंगे। बोलो श्री तारनाथ जाने की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण करेगा लाल की। यहाँ से जगह दे दो, इधर से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हो जो पीछे से जगह है आने की। हेलो, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब सुन के देख उसमें साफ है, छोटी सी घड़ी रखी है। अच्छी बात, ये कौन लाया? बड़ी आवाज आती है, मतलब जो ये बोलते हैं वो आवाज इसमें नहीं आएगी। इनको कहेंगे बोल ले ही ना, ना है ना। श्री चंदन पुष्प बाहों बिजराले सुगंध सर्वे मरवाला जी ने अंग छावे, श्री पिया जी ने पूजन इन विध के, श्री श्यामा जी ने बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। टेढ़ा लग रहा है ना, इसमें देख। और आगे कर दे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री श्यामा महारानी की। उसकी वॉल्यूम कम है माइक की, पता नहीं कौन कम कर देते हैं उसकी वॉल्यूम। महाराजा श्री छत्रसाल जू की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। महाराज श्री राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सति गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम।
आशोभरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं बाहे ग्रहे की लाज ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे मन चितव्या कारज सरे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे सभी सुंदर साथ अपनी सुरता को श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री मंगला जी दरबार में लेके चलेंगे और वहाँ श्री जी साहेब जी का दर्शन करते हुए वहीं पे ही सुरता के द्वारा अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और वहीं पे श्री जी साहेब जी के चरणों में अपना एक भाव रखेंगे के साक्षात श्री जी साहेब जी श्री बाईजूराज महारानी साहिबा महाराजा छत्रसाल जी स्वामी श्री लाल दास जी महाराज साक्षात विराजमान है और हम अपने प्रीतम को देख के धनी को देख के दर्शन करके दीदार करके हमारे मुख से निकल रहा है वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी वारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी वारी रे वारी टूके कर दारू में यातन टूके टूके कर सभी बोलिए जय हो टूके टूके कर दारू में यातन टूके टूके कर दारू में यातन ऊपर कुंज बिहारी में तुम पर सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को सुंदर जय हो फिर फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर वारी फिर फिर जाऊं बलिहारी जय हो फिर फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर पारी फिर फिर वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर पारी वारी रे वारी मेरे इन दो स्वरूप दया करी रे दो स्वरूप ऐसी वाणी का गायन
जब चल रहा है तब भी अगर सुंदर साथ की सुरता राज श्यामा जी के चरणों में नहीं लगती, उस सुंदर स्वरूप को नहीं देखती, तो विचार कीजिए हमारे मन की हालत क्या है, कितने विकार होंगे। इतना सुंदर स्वरूप हमारे सामने है और हमारी आंखें आने जाने वालों को अभी तक देख रही है। सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्री सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को सुंदर जय हो। सभी ताली बजाइए। फिर फेरे जाऊं बलिहारी मैं तुम पर पारी, फिर फेरे जाऊं बलिहारी जय हो पारी रे बारी मेरे प्यारे मैं तुम पर पारी, पारी रे मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर पारी, मुझ पर नजर तुम जय हो, मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर पारी, मुझ पर नजर वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे कोटे मेरे ललिता कुर्बानी कोटे मेरे जय हो। धनी जी का यम सुखकारी मैं तुम पर दारी, धनी जी का यम सुखकारी मैं तुम पर धनी जी का यम सुखकारी मैं तुम पर वारी, धनी जी का यम सुखकारी मैं तुम पर वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जू की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की। लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम प्रणाम जी, क्योंकि आप भी समय से उपस्थित हो गए हो सभी के सभी, है ना। मंदिर के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान जुगल जोड़ी राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ जी बाईजू राज महारानी साहिबा, स्वामी श्री लालदास महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम यहां रोज अनुभव करें। आप देखना 2 महीने के अंदर आप परम धाम मांगोगे तो परम धाम मिलेगा, राज श्यामा जी के चरण कमल मांगोगे तो राज श्यामा जी के चरण कमल मिलेंगे। इस संसार के अंदर बैठे आप जो भी वस्तु की इच्छा करोगे ना, क्योंकि ये मंदिर कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वो उसी समय मिलती है। और यहाँ पे हमारे श्री प्राणनाथ जी बाईजू राज महारानी साहिबा, महाराजा श्री छत्रसाल जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है हमारे बीच में।
कल मुझे लाइव सुंदर साथ में से किसी ने कहा कि शारदा बहन जी, मंदिर में इतना नूर था, सिंहासन पर इतना नूर था कि हम देख देख के हैरान हो रहे थे कि ये नूर, ये तेज, ये रोशनी, ये आनंद कहां से उतर के आया। मैंने कहा जिसका है वो स्वयं उतर के आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लाडले सुंदर साहब जी, धाम धनी की अपरंपार कृपा है कि हमारे श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के सभी ट्रस्टीगण जो धनी के चरणों में समर्पित हैं, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास के पात्र, और ये धनी जी के चरणों में तन से, मन से, धन से, श्रद्धा से, भावना से, प्रेम से अपने जीव तक को समर्पित किया हुआ है। और हमारे पुजारी जी महाराज, जिन जिन पर धनी की इतनी कृपा है, जब देखो मुस्कुराते ही रहते हैं, है ना। और धाम धनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, श्री जी साहेब जी की अपार कृपा है। आप उनका प्यार तो देखिए कि हमारे पे ये चौपाई लागू हो रही है कि मैं रह ना सकूं रूहो बिन, रूहे रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोआ खिन। अब विचार कीजिए, रात को 9 बजे हम यहां से, 10 बजे नहीं, 10:30 बजे भी 11 बज गए होंगे, हम यहां से गए और प्रातःकाल 6 बजे सुंदर साथ आने घर में शुरू हो गए गोट्टा पारायण पढ़ने के लिए। 7:30 बजे तक तो सब एकत्रित हो गए, है ना। बुलाइयां निस्बत जान के, धनी ने निस्बत समझ के हम रूहों को बुलाया, और हमारे धनी हमारे बिना एक पल भी नहीं रह रहे, इससे बड़ी कृपा क्या होगी, है ना सुंदर साहब जी। हम देख रहे हैं कि सारे शास्त्र कह रहे थे कि आवसी आवसी धनी सब कोई कहता, आगमी करते पुकार, सो सतबानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। लोग तो कह रहे थे कि धनी आएंगे, लेकिन धनी जब आए तब कौन आके बैठे उनके पास। धनी तो आ गए, पर धनी के आने के बाद उनके सामने, उनके चरण कमल के अंदर आज कौन बैठे हैं, जिनकी अक्षर भगवान अच्छे से मूवी तैयार कर रहे हैं, ये अखंड मूवी बन रही है, हमेशा हमेशा के लिए परम धाम के अंदर दिखाई जाएगी कि जब निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी आए और उनकी पूर्ण पहचान उतर के आई, और जब उनकी लीला का वर्णन करवाया जा रहा था तो इस लीला को सुनने के लिए कौन आए, कौन आएंगे भला, जिनकी निस्बत होगी। और धनी की निस्बत, धनी की कृपा, उनकी मेहर, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। आप देखो तो सही, विचार तो करो, एक पल के अंदर कृपा करोड़ गुना बढ़ती जा रही है। आपको पता है एक चौपाई का उच्चारण करने से हजारों यज्ञ कर लो, हजारों यज्ञ कर लो, एक चौपाई का अगर हमने उच्चारण कर लिया तो वो यज्ञ उसके बराबर नहीं आ सकते। और हमें कितनी वाणी पढ़ा रहे हैं, हमें कितनी चर्चा सुना रहे हैं, और ये कौन आए, जिनके लिए शास्त्रों में कहा गया था श्री महामत कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी भी तक सोली जो चित धर। शास्त्रों में लिखा था कल की अवतार आएंगे। अब आप विचार करो, कल की अवतार कौन है, कौन है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और वो कहां बैठी हैं, कहां बैठी हैं, साक्षात हमारे बीच में बैठे हैं। हम कहां बैठे हैं, हम उन्हीं के श्री चरणों में बैठी हैं।
पता नहीं कितने जन्मों तक तपस्या की होगी ये प्राणनाथ धनी की तारतम वाणी का दर्शन करने के लिए और ये ब्रह्म लीला सुनने के लिए। ब्रह्म लीला ढांपी यति अवतारों दरमियान सो आप अपनी आय के जाहिर कराई पहचान। ये ब्रह्म लीला ढकी हुई थी, ये जो तीन ब्रह्मांड हुए अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रजरास और जागनी कही। विचार कीजिए ये लीला किसके नसीब में है। श्री जी कहते हैं सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। ये तारतम वाणी नहीं है, ये तारतम वाणी के अंदर साक्षात श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है। हम जितनी देर तारतम वाणी पढ़ती हैं उतनी देर तक उनके स्वरूप का दर्शन करती हैं, उनके संग बैठती हैं, जिसके संग बैठेंगे उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। विचार कीजिए। और ये कह रहे हैं सारे शास्त्र और हम जो शास्त्र कह रहे हैं जो अभी बोल रहे हैं अभी किसी को शुद्ध नहीं है कि कल की अवतार हुआ है या नहीं हुआ। और हमारे भाग्य की सराहना क्या की जाए कि हम कितनी बार भी तक सुन चुके उनकी और किसी के पास खुशबू भी नहीं है, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि आगे अपनी बीतक सो लीजो चित धर। इसको अपनी बीतक नहीं कहा क्योंकि ये राजाओं के नाम थे। राजाओं के नाम को स्वामी लालदास जी ने ये नहीं कहा कि लीजो चित धर, उन्होंने कहा आगे अपनी बीतक सो लीजो। अच्छा कौन बताएगा कि सतयुग के अंदर कितने राजा हुए थे, हाथ खड़े करना, बोलना नहीं। बच्चों में से पता है किसी को? आज मैं बच्चों को बताऊंगी फिर मैं कल फिर सुनूंगी। आप नोटबुक लेके आना डेली, ठीक है। सारे बच्चे नोटबुक लेके आना, बड़े भी लाना, क्योंकि मैं जहां भी तक करने जाती हूं वो सब भी दिल्ली के सुंदर साथ जयपुर के सुंदर साथ नोटबुक लेके आते हैं और साथ साथ में लिखते जाते हैं और फिर घर जाके पढ़ते हैं और सुनाते हैं तो याद हो जाती अभी तक, ठीक है। किसने हाथ खड़ा किया था? आपको पूछा कोई है? अच्छा ऐसे कोई बोलेगा तो वो 100 रुपया पेंटी भरेगा, ठीक है, लगनी चाहिए ना, पूछा नहीं ना। अच्छा चारों युगों के जो राजा हैं, सतयुग में कितने हुए, त्रेता में कितने हुए, द्वापर में कितने हुए और कलयुग में कितने हुए, ये चारों पता है किसी को? आपको पता है? क्या नाम है आपका तो मैं भूल ही जाती हूं, है रिधिमा। चलो रिधिमा आप बोलो। हाँ नहीं, पहले सतयुग के बाद त्रेता आता है। और कलयुग में? अच्छा कौन सा आपको लग रहा है मैंने गलत बोला है? साहिल बताएगा कौन सा गलत है, है? त्रेता में कितने हुए? हाँ सतयुग में। अच्छा आप सारे सुन लो, ठीक है, कल फिर पूछा जाएगा, सारे सुन लो। सतयुग में कितने हुए? सतयुग है तो 17 ही है ना, और त्रेता में 29, ठीक है, और द्वापर में 19 और कलयुग में, ठीक है। अब ये कल क्या एक ही प्रश्न आया था इसमें, ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। कल से नोटबुक लेके बैठना, ये प्रश्न आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सभी को, क्योंकि इतने वर्ष हो गए अभी तक सुनते सुनते, है ना, तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन उसने बहुत अच्छी कोशिश की, रिधिमा ने, बधाई की पात्र है। छोटी सी बच्ची ने तीन युगों के नाम बिल्कुल सही बताए कि कितने राजा हुए खाली त्रेता को छोड़ के, है ना। कितने बताए थे त्रेता के?
और दो उसको याद नहीं आए, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब श्री जी साहेब जी कह रहे हैं कि आगे अपनी बीतक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब अपनी किसको कहेंगे, किसको कहेंगे लालदास जी, अपनी किसको कहेंगे, जो परम धाम से ब्रह्मात्माएं उतर के आई हैं, ठीक है। हमारी आत्मा साक्षी देती है कि हम परम धाम से आए हैं, देती है, चलो फिर बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा कल सारा दिन सर्च करना अपने आप को कि जैसे लालदास जी की आत्मा है वैसी मेरी है, हैं? जैसे महाराजा छत्रसाल जी की आत्मा शाकुंडल थी, मैं भी वैसी हूं। जैसे राजा राम भाई थे, मैं भी वैसी हूं। जैसे गोवर्धन जी थे, मैं भी वैसी हूं। थोड़ा सर्च करना, है ना, एक बार देखना अपने आप को थोड़ा टटोल के, कि फिर थोड़ा सा फर्क देख लेना भी क्या क्या फर्क है। तो क्या होता है, फिर उस फर्क को दूर कर देंगे धीरे धीरे, उस फर्क को दूर कर देंगे भी उनमें प्लस क्या था, मुझमें माइनस क्या है। उनको इतना बड़ा दर्जा क्यों मिला और मुझे वो मरातबा, वो दर्जा अभी क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि बच्चा एग्जाम देके आता है ना, वो घर आके सोचता है कि ना मैंने भी तो एग्जाम दिया, मेरा भी तो अच्छा था, फिर मेरे फ्रेंड ने ऐसा क्या लिखा जो उसके मार्क्स ज्यादा आए, है ना। फिर वो चेक करता है उसको भी, उसने क्या लिखा था, फिर पता लग जाता है कि मैंने कहां गलती करी थी, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था इसलिए यहां से नंबर कटे हैं। और हमें भी पता है कि हम तन की कुर्बानी नहीं कर रहे या मन की नहीं कर रहे, है ना, कहां से नंबर कट हो रहे हैं वो हमें देखना है। क्योंकि श्री लालदास जी कहते हैं आगे अपनी, वो तो हमें 12,000 ब्रह्म सृष्टि में शामिल करके फिर हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की भी तक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जिनके हृदय के अंदर साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी विराजमान होके ये बीतक लिखवा रहे हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि लाडले सुंदर साहब जी, मैं आपको फिर ले चलता हूं मूल मिलावे के अंदर। क्योंकि पहले बात कहां से शुरू की थी, राजाओं की, लेकिन मेरे को बात कहां की करनी है, परम धाम की बात करनी है। तो परम धाम की बात शुरू से की जाए ना, कि मूल मिलावे के अंदर क्या हुआ था। अब फिर के कहूं मूल मिलावे की भी तक, मूल मिलावा कहां है, कौन सी भूमि में है मूल मिलावा, एक साथ बोलो ना, अब 100 रुपए नहीं लेंगे। कौन सी भूमि में है, प्रथम भूमि में, है ना। और प्रथम भूमि के अंदर जो चार चौरस हवेलियां छोड़ के पांचवा चौक मूल मिलावा आया, उस मूल मिलावे का थोड़ा सा हम वर्णन सुने, अपनी सुरता को मूल मिलावे के अंदर लेके जाएं कि मूल मिलावा कैसा है। क्योंकि हम सबको धनी ने कहा कि आपको अगर परम धाम के 25 पक्ष याद नहीं हो रहे, रोज भ्रमण नहीं कर पा रहे हो, रोज परिक्रमा नहीं कर पा रहे हो, तो एक ऑप्शन दिया है हमको, क्या, सुरता एक ही राखिए श्री मूल मिला वे माहे, श्री श्याम शमा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाहे। कहां सुरता लगानी है हमें, मूल मिलावे के अंदर। कैसा है मूल मिलावा, पहले तो गोल चबूतरा आया, कमर भर ऊंचा का मतलब होता है जिसको तीन सीढ़ियां लगे, जिसको तीन सीढ़ियां लगे उसको परम धाम में क्या कहा गया है कि कमर भर ऊंचा। और जो चीज भौम भर ऊंची होती है उसको 100 सीढ़ियां लगती हैं, जो कमर भर ऊंचा है तो उसको 3 सीढ़ियां लगती हैं, ठीक है। तो ये कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा आया, आपको दिखने लग जाएगा मूल मिलावा। आप सारे अपनी नजरों को, अपने ध्यान को, अपनी सुरता को 5 मिनट के लिए कहीं मत लेके जाना, सिर्फ सुनो
ये सुनने से आप सच्चिदानंद बन जाओगे, ये सुनने से आपको मूल मिलावे के अंदर नहीं जाना, मूल मिलावा आपके अंदर आएगा। क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा, सो तो अब जाहिर भए सबविद वतन सहित, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी इस दुनिया के अंदर आके जाहिर हो गए हैं और पूरा परम धाम लेके आए हैं। हमने परम धाम नहीं जाना, परम धाम यहां आ गया है, हमें तो देखना है, हमें तो देखना है। तो कितनी सीढ़ियां लगी कमर पर ऊंचे चबूतरे को? अच्छा, चबूतरा चौरस है कि गोल है? हाँ, सभी एक साथ बोलना, गोल चबूतरा आया है ना, चकले की तरह बिल्कुल, और उसको तीन तीन सीढ़ियां चारों तरफों से लगी है, क्योंकि मूल मिलावे के चार दरवाजे हैं, ठीक है, और घेर करके चारों तरफों सीढ़ियां आ रही हैं, और घेर के थंब आ रहे हैं। कितने थंब आए? 64 थंब, 64 थंब आए, चार दरवाजे आए, और पूरा दिशा का जो गेट है उसकी एक बड़ी मेहराब पहले हरे रंग की आई और उसके साथ लगती हुई नीले रंग की, दो थंब आई है ना। पहले वाले थंब कौन से आए? पहले गेट के अंदर हमें प्रवेश करना है ना, तो हरा रंग के दो थंब आए और उसके साथ लगते हुए दो थंब नीलम के आए, और पश्चिम दिशा के अंदर दो थंब पहले नीलवी के आए, नीलम के, और उसके साथ लगते हुए दो थंब हरे रंग के आए, है ना। पांच और नीलवी, पांच कहते हैं हरे रंग को, और नीलम नीला रंग होता ही है ना। फिर दक्षिण दिशा के अंदर दो थंब माननीक के आएंगे, उसके साथ लगते दो थंब पुखराज के आएंगे। तो हमने पूर्व दिशा के गेट से प्रवेश करना है, तो हमें ये गेट कैसा दिखाई दिया? हरे रंग का। प्रातः काल मूल मिलावे का ध्यान करना हो ना एक मिनट में, तो पहले सीधा लगे कि जिस गेट में से मैंने प्रवेश करना है वो हरे रंग का गेट है, और अगर मुझे परिक्रमा करनी है तो पूर्व से दक्षिण की तरफ मैं गई तो मैंने दूसरा गेट देखा, वो माननीक का लाल रंग का है, और उसके साथ लगते हुए दो थंब पीले रंग के हैं। गेट कैसा है? माननीक का, और उसके साथ लगते हुए दो थंब कौन से आए? पुखराज के। माननीक के साथ लगते हुए दो थंब कौन से आए? पुखराज के। और पश्चिम दिशा का तो हमने देख लिया, नीला नीले रंग का और हरे रंग का, और उत्तर दिशा में पहले पीले रंग के दो थंब आएंगे और उसके साथ लगते हुए दो थंब माननीक के। तो ये चारों तरफों चार गेट हैं, और 12 थंब बीच में कौन से हैं? हीरा, लसनिया, गौमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, कंचन, नूर, पिरोजा और कपूरिया, है ना। ये थंब आ गए, चारों तरफों से घेर के ऐसे ही आते गए, और इस चबूतरे के ऊपर लाल रंग की गिलम बिछी है, लाल रंग का मखमल का गद्दा बिछा है, जो सवा हाथ नीचे चला जाता है पांव रखते ही। कितना सॉफ्ट है? पांव रखते ही सवा हाथ नीचे चला जाता है, इतना कोमल गद्दा। और उस गद्दे को घेर करके क्या दिखाई दे रही है हमें? कठेड़ा दिखाई दे रहा है, वो सोने का कठेड़ा लगा हुआ, ठीक है, और कठेड़े के साथ तकिए लगे हुए, एक एक तकिए के साथ 100-100 सखियां बैठी हैं, ठीक है। और फिर पहली हार में कितनी सखियां बैठी हैं? कितनी बैठी हैं? 6000। पहली हार में तामसी सखियां और 6000, और दूसरी हार में राजसी सखियां बैठी हैं 4000, और आगे वाली हार में 2000 स्वांसी सखियां बैठी हैं, और सेंटर में क्या है? कमल का 1000 पंखुड़ी का फूल, और उसके ऊपर सोने का सिंहासन जो हम प्रातःकाल रोज पढ़ते हैं। क्या श्री राज श्री ठकुराणी जी प्रथम भोग में विराजमान भय, ता कंचन रंग का सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे,
एक एक डांडे में दस दस रंग जवेरों के झलकत हैं, दो छतरी दो स्वरूपों के ऊपर, दो फूल लाल मानिक के कमल के से नीलमी की पांखड़ी, छतरियों के चारों तरफों जवेरों की झालर, छह डांडों पर छह कलश। समझ में आता है छह डांडों पर छह कलश? ये आठों कलश हेम की उतरती कांगरी, पश्चिमी पिशोना, एक गादी, दो चाकले, तापर पांच तकिए, श्री राज श्री ठकुरानी जी एक गादी दो चाकले पर विराजमान भए, चाकले कई चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। ए दौ स्वरूप अपने चित्त के बीच में लीजिए। और फिर क्या कहा? फेर आत्मा को दीजिए, आत्मा से न्यारे ना कीजिए। क्या हुक्म किया उन्होंने? कितनी देर अलग मत करना, हमने आधी उम्र में देखा ही नहीं। वो कहते आधा क्षण अलग ना करना, कितनी देर अलग ना करना, आत्मा से न्यारे ना कीजिए, अदचिन्ह फेर कीजिए दर्शन, पहले अंगुरी नख चरणों मस्तक लो कीजिए वर्णन। कहते ना भी टाइम हो ना तो नख से लेके सिख तक एक बार उनका दर्शन कर लो, पहले अंगुरी नख चरणों मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्मा की लगन। कहते वस्त्र भी दिखाई देंगे, आभूषण भी दिखाई देंगे, पर आत्मा के अंदर लगन होनी चाहिए उनको देखने की, है ना। सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्मा की लगन। सुंदर श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, महारानी जी को श्रृंगार, सिंदुरिया रंग जड़ाब की साड़ी। कौन से रंग की साड़ी पहननी है? लो, मैंने एक दिन दिल में सोचा, लोग तो अब दुल्हा दुल्हन मैचिंग करते हैं, और ये तो मैचिंग कहां से कर रखी है राजी महाराज ने? परम धाम से। देखो तो आज लोग ना जाते हैं और अपने ड्रेस से एक जैसी बनवाते हैं आज, लेकिन ये जो मैचिंग है श्यामा जी के साथ, श्री राजी एक भी चीज अलग नहीं करते। देखो तो अगर उन्होंने सिंदूरिया रंग की साड़ी पहननी है ना, तो श्री राजी महाराज ने सिंदूरिया रंग की पगड़ी पहननी है। बोलो श्री प्राणनाथ। देखो तो मैचिंग कहां से कर रखी है ना। और श्यामा जी की साड़ी में ये सारी पट्टियां आई हैं, जो जो श्री राजी महाराज के वस्त्र आभूषण है। सफेद रंग की पट्टी आई है श्यामा जी की साड़ी में, सिंदूरिया रंग की साड़ी में नीले रंग की पट्टी आई है ना, पीले रंग की आई है, सिंदूरिया रंग की तो साड़ी है ही सही, पर मैचिंग जबरदस्त कर रखी है दोनों ने। कह रही है सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की, नीलो लाई को चरणिया, श्री राजी को श्रृंगार, सुंदरिया रंग जड़ाव को चीरा, और आसमानी रंग जड़ाव की पिछोड़ी, और नीलो न पीले बीच के रंग को पटका, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा, श्री जुगल स्वरूप जी को मूल बागो। आगे क्या है? मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके, देखो तो कितना सुंदर स्वरूप है। अब जब हम ये स्वरूप पढ़े तो उतनी देर तो सुबह मूल मिलावे को देखें कि ना देखें। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए तो एक बार तो हमें राज श्यामा जी की जुगल जोड़ी का दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, होना चाहिए कि नहीं? नख से लेके सिख तक अगर एक बार भी डेली कोई राजी श्यामा जी के वस्त्र आभूषण दिल से देखता है ना, तो वो आत्मा जागृत है। पर हम पढ़ते हैं, हम देखते नहीं है, हमें रटा हुआ है और रटे अनुसार बोलते जाते हैं पर देखते नहीं है। और जब देखने लगेंगे तो राजी महाराज हृदय में आ जाएंगे। तो मूल मिलावे के अंदर साक्षात राज श्यामा जी विराजमान है, ऊपर हरे रंग का चंद्रमा है और सारी सखियां घेर के बैठी हैं। हम सारे कहां बैठे थे? हम वही मूल मिलावे के अंदर बैठे थे। ठीक।
ठीक है। ए मूल मिलावा अपना, थंब 64 गिलम चबूतरा। ए मूल मिलावा अपना, थंब 64। सभी बोलिए। सिंहासन पर बैठे मेरे धाम के दुल्हा, जय हो मेरे मन पावे से। सुंदरता मेरे नैना बस जावे से, जय हो। सभी बोलिए। सुंदरता मेरे नैना बस जावे से। राज श्याम 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 श्री राज श्याम 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 श्याम, जय हो। कितना आनंद है इसको खाली भजन को गाने में, है ना। जब गाने में इतना आनंद है और इस मूल मिलावे को अगर 10 मिनट बैठ के देखे तो कितना आनंद है, है ना। तो हमें लालदास जी महाराज कहां ले जा रहे हैं, मूल मिलावे के अंदर। कह रहे हैं कि अब फेर के कहूं मूल मिलावे की, बीतक जैसी आज्ञा धनी की। कहते जो श्री राज जी महाराज जैसे आज्ञा करेंगे सो बाता बुजरक। सबसे बड़ी तो वही बात है, पहले मूल अद्वैत में भोम जा इशक। कहते मूल अद्वैत परम धाम के अंदर इश्क की भूमि है। परम धाम क्या है, अर्श इश्क को राज है। अर्श के अंदर इश्क ही इश्क है, प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है। और इस ब्रह्मांड के अंदर प्रेम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लियाई इत, ना तो प्रेम ना दुनिया में कित। इस संसार के अंदर पहले प्रेम था ही नहीं, प्रेम कौन लेके आई, परम धाम की आत्माएं लेके आई। महेश्वर तंत्र के अंदर लिखा है कि तत्वदर्शी ब्रह्म मुनि इस ब्रह्मांड के अंदर आएंगे और वो पार ब्रह्म का प्रेम, वो पार ब्रह्म का खजाना इस दुनिया के अंदर बांटेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो वहां परम धाम के अंदर क्या है, इश्क ही इश्क। अच्छा, आप और हम सारे एक दूसरे से क्या चाहते हैं, प्रेम, और वो भी कैसा, सच्चा। और पता लग जाए ये ऊपर से कुछ और है और बाहर से कुछ, वो बंदे की दोस्ती हमें पसंद आती है,
आती है क्या, जो हमारे साथ बाहर से मीठा मीठा बोल ले और अंदर से कुछ और हो। श्री जी कहते जो माहे मेले बाहर उजले, सो तो कहे मुनाफक मासू अल्लाह छोड़े मोमिन, जिनमें कुफर नहीं रंचक। जो माही मेले बाहर उजले, कहते अंदर जिनके मैल है ना और बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, अंदर कुछ और है ना, उनका प्यार हमें पसंद नहीं आता। पता तो लग ही जाता है, क्योंकि दुनिया वाले गाने बनाते हुए कहते हैं क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। हमारा परम धाम के अंदर स्वभाव था। आज हम क्यों चाहते हैं शांति, क्योंकि हम परम धाम से आए हैं। हम क्यों चाहते हैं प्रेम, क्योंकि हमारी आत्मा को आदत थी सच्चा प्रेम अक्षरातीत का पल पल रसपान करने की। एक पल हम उस इश्क के बिना नहीं रहते थे, एक पल हम उस प्यार के बिना नहीं रहते थे, और वो भी ऐसा प्यार धनी के हृदय में जहां प्यार के बिना कुछ है ही नहीं। और पूरी परम धाम की 50 करोड़ योजन जिमी जो है वो इश्क ही इश्क है। निरूहे अक्षर दे पार तू है वसदी, निरूहे अक्षर दे पार तू है वसदी, नि जिथे इश्क दी होंदी बरसात ओथे वसदी, नि जिथे इश्क दी होंदी बरसात ओथे वसदी, नि जिथे आनंद ही आनंद अपार ओथे वस। हम कहां रहते थे, कहते पहले मूल अद्वैत में भूम जहां इशक, वो इश्क की भूमि है परम धाम, और ता प्रेम रबद में भया हुकम हक, वहां हमारा श्री राज जी के साथ संवाद हो गया, प्रेम संवाद, प्यार भरा झगड़ा। ध्यान से सुनना बच्चों, श्री राज जी महाराज ने कहा कि मेरा प्यार ज्यादा है, श्यामा जी ने कहा प्यार तो मेरा ज्यादा है, और सखियां कहती हैं हम कोई पागल हैं, 12,000 सखियां और सारा दिन इनकी सेवा में लगी रहती हैं, कभी फूल बाग में जाती हैं, वहां से फूलों की मालाएं बना बना के गोए गोए हार पिया को पहनावे हैं, फूले फूल फूल लई आवे और गोए गोए हार, मतलब गूंथ गूंथ के मालाएं हम श्री राजी महाराज को पहनाती हैं, है? सैया केतिक बन में जावे, शाक पान में वहां सब ले आवे, सुबह भाग जाती हैं इनके लिए, क्या लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए, पान तैयार करने हैं, मेवे लेने के लिए है, फल लेने के लिए। और ये तो कह रहे हैं दोनों जने, पहले श्री राज जी ने कह दिया कि रूहो मेरे मेरे तुम्हारा आशिक, और उधर से श्यामा जी ने कहा हादी कहे इश्क मेरा बड़ा, श्यामा जी ने कहा इश्क तो मेरा बड़ा है, और तब हमें उपजी शक, हमारे मन में शंका आ गई। 12,000 आत्माएं बैठी है ना जो मूल मिलावे में, 6,000 सखियां बैठी हैं पहली हार में, मतलब कठेड़े के साथ लग के, 4,000 बैठी हैं बीच में और 2,000 चरणों के पास बैठी हैं, कितनी हो गई 12,000। ये 12,000 सारी सखियां हम श्री राज श्यामा जी के चरणों में मूल मिलावे में बैठी हैं। अब राज जी सिंहासन पर दाई और विराजमान है और बाई और श्यामा जी महारानी विराजमान है, तो राजी महाराज अनादिकाल से कहते आ रहे हैं कि मेरा प्यार ज्यादा है, श्यामा जी ने कहा प्यार तो मेरा ज्यादा है, और हम सारी सखियों ने क्या कहा, प्यार तो हमारा ज्यादा है।
और ये रबद हो गया, झगड़ा हो गया। तो कहते हैं तहां प्रेम रबद में भया हुकम हक, ये प्रेम संवाद चल रहा है। अब राजी महाराज क्या हुक्म करते हैं, एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए। ये खेल दिखाने की इच्छा श्री राजी महाराज ने ही उपजाई, किसके दिल में, सखियों के दिल में और अक्षर भगवान के दिल में, क्योंकि चौपाई कह रही है ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, इस खेल को देखने की दो जनों के अंदर इच्छा उत्पन्न कर दी, किसके अंदर, एक तो सखियों के अंदर, और अक्षर भगवान श्री राजी महाराज का सप्त अंग है, महामंत्री है। श्री राजी महाराज राजा हैं, तो उनके महामंत्री कौन है, अक्षर भगवान, जो उनके हुक्म को बजाते हैं, उनके हुक्म से ये करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। वो अक्षर भगवान नित्य प्रति श्री राजी महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं, रोज आते हैं, लेकिन कभी भी श्री राजी महाराज ने श्यामा जी को और सखियों को पता ही नहीं लगने दिया कि अक्षर भगवान रोज मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अब प्रेम संवाद जब चला ना, तो राजी महाराज के दिल में बात आ गई कि अब इनको खेल दिखाना पड़ेगा। तो खेल दिखाने के लिए श्री राजी महाराज ने इधर तो श्यामा जी के दिल में और सखियों के दिल में बात पैदा कर देंगे, उधर किसके दिल में पैदा कर देंगे, अक्षर के दिल में पैदा कर देंगे। ये कब होगा पैदा, कब होगी, क्योंकि श्री राजी महाराज प्रातः काल के समय हमें खिलाने के लिए जाते हैं। जब हम बोलते हैं मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाठ गांठ की डोरी में जा रामत की जय रास, पाठ गांठ की डोरी में जा रतन चरित के महल में, रतन चरित के महल में कीजे रंग विलास, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो। यहाँ चौपाई आगे आती है, कुंज निकुंज की रेती में पिया चलो दौड़िए, कुंज निकुंज की रेती में जो जा को छुई लेते हैं, जो जा को छुई लेते सोता के हाथ निकाल, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो। सखिया वाला जी के साथ जमुना जल झीलने के लिए जाती हैं, तो पहले खेलती हैं ना, तो कहां गए खेलने के लिए, खेलने के लिए कुंज निकुंज की रेती में गए। और कुंज की, कुंज कहते हैं किसको कहते हैं, कुंज गोल होता है या चौरस, कुंज चौरस होता है और निकुंज गोल होता है, अब ये भी याद रखना, कुंज गोल निकुंज, कुंज चौरस निकुंज गोल, ठीक है, कुंज निकुंज की रेती में। अब वहां रेती बिछी हुई है, कैसी रेती है, कोई दो खुनी, कोई तीन खुनी, कोई चौखुनी, है ना, और वो रेती कैसी है, वो परम धाम के डायमंड कोट कोट के बिछाए हुए हैं, और उसके ऊपर वाला जी किशोर स्वरूप केसरिया रंग की इजार पहने हुए, सुंदर सुंदर जामा पटका पिछोड़ी पहने हुए आगे आगे दौड़ते हैं, उनके पीछे श्री श्यामा जी महारानी और उनके पीछे 12,000 ब्रह्म सृष्टि, क्या होड़ लगी है, कुंज निकुंज की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते सो ताके हाथ बिकाए, वो बिक जाएगा, फिर उसको जो हम कहेंगे उसको वो करना पड़ेगा। अब वाला जी आगे आगे दौड़ रही हैं, श्यामा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, और 12,000 ब्रह्म सृष्टि उनके पीछे। अब श्यामा जी ने राजी महाराज को पीछे कमर से पकड़ लिया, जैसे ही पकड़ लिया श्यामा जी तो खुद
इतनी खुश हो गई, पीछे से सारी परम धाम की हम सखियां दौड़ते दौड़ते श्यामा जी को पकड़ते पकड़ते श्रीराज जी नीचे गिर गए, ऊपर श्यामा जी और 12,000 सखियां उनके ऊपर ढेर हो गई और हंसी रुक नहीं रही किसी की भी। ए हांसी को है ठोर, इस ये रेती के अंदर हांसी होती है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चलते हैं तो घुटने अंदर घुस जाते हैं, घुटने तक रेती, फिर घुटना एक निकालते हैं दूसरा पैर रखते हैं फिर चला जाता है, और दौड़ना तो बहुत मुश्किल की बात थी ना, उसमें से श्यामा जी ने पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब राजजी महाराज के दिल में बात आई, हक के दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, रुए जाने नहीं मुतलक। राजजी महाराज नीचे गिरे हुए कहते हैं कि अरे ये श्यामा जी को और सखियों को इतना भी नहीं पता कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं, है 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव अक्षर भगवान मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, और इनको तो देखो, और फिर बैठी हंसे जा रही हैं। अभी तो राजजी नीचे दबे हुए हैं, श्यामा जी ऊपर बैठी हैं, सारी सखियां ऊपर ही हैं, अभी तो हंसी नहीं रुक रही ना, क्योंकि पेट में सूल पड़ गया हंसते हंसते, क्योंकि हमने पकड़ लिया। किन को पकड़ लिया? श्री राजजी महाराज को पकड़ लिया, है ना। अब राजजी महाराज के दिल में आया, हक के दिल में उपजा। हक किसको कहते हैं? श्री राजजी महाराज को। हक होता है नूर का ढेर, हक होता है सच। श्री राजजी महाराज को हक कहा गया, हक के दिल में उपजा, राजजी के दिल में आया मैं दिखाऊं अपना इश्क, अब तो मैं इन परम धाम की आत्माओं को अपना प्रेम दिखाऊंगा ही सही, और दिखाऊं अपनी साहिबी, मैं कितना बड़ा साहिब हूं मैं इनको ये भी दिखाऊंगा, रूहे जाने नहीं मुतलक, सच में इनको नहीं पता कि मैं कितना बड़ा साहिब हूं, क्योंकि राजा की रानी घर में रहे और कभी राजा उसको बाहर लेके ही ना गया हो तो रानी को क्या पता कि राजा की बाहर क्या वैल्यू है, है ना। तो हमारे राजा राज जी हमें कभी ब्रह्मांड में लाए ही नहीं थे, हमें क्या पता ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कि क्या, हमें तो इतना पता था कि ये हमें बहुत प्यार करते हैं और हम इनको बहुत प्यार करते हैं, बस इतना ही पता था, क्योंकि रूहे बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000 जाने ना आप अर्श की साहिबियां अपार, रूहे भोली भाली थी ना समझ थी, उनको पता ही नहीं था कि राजजी महाराज की साहिबी क्या है, प्रेम क्या है, है ना, ये नहीं पता था। अब धनी ने दिल में ले लिया, अब जब आ गए झीलना करके, जमुना जी का झीलना हो गया, वापिस आ गए, अब तो पक्का दिल में ले रखा था ना अंदर से कि अब मुझे इनको क्या दिखाना है, अब तो खेल दिखाना है। अब रोज वो अक्षर भगवान आते हैं दर्शन करने, और आज जब अक्षर भगवान श्री राजजी महाराज का दर्शन करने के लिए आए, चांदनी चौक के अंदर आके खड़े हुए, 100 सीढ़ियां 20 चांदे के सामने चांदनी चौक में खड़े हुए श्री राजजी महाराज, तीसरी मंजिल में बैठे हैं, तीसरे फ्लोर पे बैठे हैं, कहां बैठे हैं वो ना रंग मॉल है ना, कितना है 9, 10, 81, और अब राजजी कहां बैठे हैं, तीसरी भौम के अंदर श्री राजजी महाराज, ऐसे ग्रिल लगी हुई है और इधर मुख करके राजजी बैठे हैं या इधर श्यामा जी बैठी हैं, और नीचे अक्षर भगवान आए, स्वरूप एक है लीला दोई, अक्षर भगवान और श्री राजजी का एक ही स्वरूप है, और अक्षर भगवान क्या करते हैं, भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, कोटि ब्रह्मांड नजरों में ल्यावे, पल में देख के छिन में उड़ावे, वो करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड बनाती हैं और मिटा देती हैं। आज वो अक्षर भगवान दर्शन करने के लिए आ गए, कहां आ गए, रंग महल, हमारी जो कोठी 9 भौम 10 81 है हमारा घर, ठीक है, उसके नीचे खड़े हैं, और राजजी महाराज तीसरी मंजिल पे सिंहासन पर बैठे हैं, और वहां आए अक्षर भगवान दर्शन करने के लिए और प्रणाम करी, प्रणाम करते श्री राजजी महाराज ने आज अपनी पूरी गर्दन घुमा के और अच्छे से उनको कहा प्रणाम जी। तो अब सखियों के मन में आया कि ओ ये हमें छोड़ के
नृत्य चल रहा है तीसरी ओम के छज्जे पे। तीसरी ओम का छज्जा 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा और वहां नृत्य चल रहे। हमें छोड़ के राज्य किसको देखने लग गए, नीचे किसको देख रहे हैं? श्यामा जी ने नीचे देखा। श्यामा जी के नीचे देखते ही सारी 12,000 सखियों ने नीचे देखा तो क्या देखा? एक पुरुष खड़ा है और वो किसका स्वरूप है? बिल्कुल छज्जी का। और उसी समय सखियों ने श्यामा जी ने पूछा, ये कौन है? छज्जी महाराज ने कहा, ये अक्षर भगवान है। ये क्या करता है? कहते ये दुख के ब्रह्मांड बनाता है और मिटाता है। जैसे ही नीचे श्यामा जी ने देखा, सखियों ने देखा, तो उनको लगा अक्षर भगवान को कि अरे मैं तो सोचता था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अकेले ही रहते हैं इस परम धाम के अंदर, ये कौन है? ये सखियां भी रहती हैं, क्योंकि आज तक घुंघरू की आवाज उसके कान में कभी नहीं पड़ी थी। ये ऐसा कैसे हुआ? श्री राजजी महाराज ने सत की स्थापना आनंद के अंदर कर दी और आनंद की स्थापना सत के अंदर कर दी, ताकि सत आनंद को जाने और आनंद सत को जानने की इच्छा प्रकट करे। अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जे। अक्षर के मन में आस उत्पन्न हुई कि ये कैसा प्यार करते होंगे फिर श्यामा जी से और सखियों से, है ना। और उधर से सखियों के मन में आई कि खेल देखे अक्षर का जे। ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बाता है अति घनी। ये किसने हमारे दिल में पैदा किया? श्री राजजी महाराज ने। तीसरी भौम में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आया, तीसरी भौम में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आया, एकदम रूहों ने देखा ये कौन पुरुष है आया। एकदम रूहों ने देखा ये कौन पुरुष है आया। तीसरी भौम में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आया, तीसरी भौम में अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आया, एकदम रूहों ने देखा ये कौन पुरुष है आया। एकदम रूहों ने देखा ये कौन पुरुष है आया, पिया से हमने पूछा ये कौन पुरुष है दूजा। पिया से हमने पूछा ये कौन पुरुष है दूजा, अरे ये पूछने वाली और नहीं, अरे ये पूछने वाली रोहे और नहीं। तू कौन याद कर ले, तू फेल याद कर ले, तू कौन याद कर ले, तू फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावे बिना कोई और नहीं। तेरा पिया जी बिना कोई और नहीं, तेरा मूल मिलावे बिना कोई, तेरा मूल मिलावे बिना कोई और नहीं, तेरा पिया जी के बिना कोई। क्या देखा कि तीसरी भूमि में कौन खड़ा है? अक्षर भगवान। अक्षर भगवान कौन है? श्री राजजी महाराज के महामंत्री, सत स्वरूप। क्योंकि हम परमात्मा को सत चिद आनंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो सत स्वरूप कौन है? अक्षर भगवान। चिद स्वरूप कौन है? श्री राजजी महाराज। और आनंद स्वरूप कौन है? श्री श्यामा जी महारानी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल सुनेंगे हम आगे कि सच्चिदानंद ने ये कैसी लीला रचाई, है ना, और कैसे हम सब सुंदर साथ को ये खेल देखन की इच्छा उपजाई। दोए समझ आ गया, दो के दिल में, और अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए। अक्षर ने कौन सा फल देखना है? अनादि। और सखियों ने कौन सा देखना है? आदि है खेल, अनादि है परम धाम की लीला। सखियों को ये खेल देखने की इच्छा हुई है और अक्षर भगवान को परम धाम के अंदर जो लीला श्री राजजी महाराज करते हैं उसको देखने की इच्छा हुई है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर सा जी हम चौपाई दोहराते हैं। आदि अनादि फल कयो सोए,
ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए आदि अनादि फल कयो सो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये रस भरी, ये आनंद भरी लीला का हम रसपान ऐसे ही करते जाएंगे। आप सभी 8:30 बजे मंदिर में आके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया करो, ताकि जितनी देर में पूजन हो और चौपाई सही समय पे शुरू करवाओगे ना, तभी सही समय पे दोहराई जाएगी। ठीक है, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सतगुरु महाराज की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। लाइव चर्चा सुन रही 164 सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये कहते हैं हम 164 नहीं होते, हमारे एक घर में 8-8 जने हम सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं हम 10, हम और बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं एक घर के अंदर एक ही बहन जी मोबाइल होता है और पूरा परिवार बैठता है, और हम गुजराती लोग तो 3 देवरानी जिठानी और उन सबके बच्चे हम इकट्ठे ही रहते हैं, एक मोबाइल पे ही सुनते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पर बरस रही है। एक बार नियमबद्ध होके भी तक सुन रहोगे ना, तो मन की कोई ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो धाम धनी इस वित्तक के अंदर पूरी नहीं करते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी। चलो अर्जी बोलो। एक बार सब उठा, सब उठ गए।